सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है, अश्व कहते हैं राष्ट्र को और मेध कहते हैं उन्नति को। राजा कौन है? राजा वो है जो राष्ट्र उन्नति की सोचे, वो राजा है। और आज हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं तो आज राजा के रूप में हम किसको कहेंगे? देश का जो मुखिया है वही राजा है। यदि वो मुखिया अगर राष्ट्र उन्नति का सोचता है तो वो वास्तव में राजा है, और केवल अपने उन्नति का जो व्यक्ति सोचे वो नहीं। तो सौभाग्य से आज हमें एक ऐसा मुखिया मिला हुआ है जो वास्तव में राष्ट्र उन्नति की सोचता है। राजा परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया है। अश्व घोड़े को भी कहते हैं और अश्व राष्ट्र को भी कहते हैं, और मेध का मतलब है उन्नति, जो राष्ट्र की उन्नति करे। ऐसा राजा पहले किया करते थे। राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, पूरे राष्ट्र में जा जा करके देखते थे कहां क्या कमी है, कहां कहां क्या त्रुटि है, और उन त्रुटियों को ढूंढा करते थे राजा। राजा गए हैं और सरस्वती नदी के तट पर राजा ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी कल्पना उनको नहीं थी कि मेरे राज्य में ऐसा हो सकता है। क्या राजा ने देखा? राजा ने जो देखा वो ये था कि एक बहुत दुबली पतली गाय, जिसको लगता है कि कई दिनों से भोजन नहीं मिला है और न जाने कितने दिन से ये पीटी जा रही है, और उसके साथ में एक बैल है जिसके तीन पांव काट दिए गए। बैल चार पांव वाला होता है और उसके तीन पांव काट दिए गए हैं, और ऐसे वो दोनों किसी एक काले पुरुष के द्वारा मारे जाते वो वहां से जा रहे थे। राजा ने वो दृश्य देखा। राजा परीक्षित तो भगवान के भक्त है ना, गोपाल के भक्त हैं, और गोपाल मतलब जो गौ को पाले उसका नाम गोपाल, और गोपाल के भक्त होते हुए कोई गायों पर गोवंश पर अत्याचार होते हुए कैसे देख सकता है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, उसको डांट भगाया, उसको दंड दिया, उसको, और फिर उस बैल से पूछते हैं, महानुभाव आपके तीन पांव को किसने काटा, कौन आपको दुख देने वाला है, आप उसका नाम बताओ, मैं राजा परीक्षित हूं, मेरा काम है दंड देना अपराधी को, मैं उसको दंड देता हूं। उस बैल ने जो जवाब दिया, अद्भुत जवाब दिया है। उसने कहा, महाराज दुख का कारण हम किसको माने, कौन हमें दुख देता है। यहां पर पांच उन्होंने मार्ग बतलाए हैं कि पांच तरह के लोग पांच तरह के दुख देने वालों को सोचते हैं। पहले प्रकार के ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें दुख कौन देता है पता आपको, और हमारे दुख का कोई कारण नहीं है, हम अपने स्वयं ही अपने दुख का कारण है, हमारा ये मन ही हमको सुख और दुख देता है, कोई दूसरा हमको सुख देने वाला है नहीं। मना परम कारण मापयंती, हमारा ये मन ही हमें सुख और दुख देता, कोई दूसरा नहीं। ये ज्ञानियों की दृष्टि है। बहुत से लोग भाग्य मानने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आता है, क्योंकि भाग्य की वजह से। ज्योतिष लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आता है, भाग्य की वजह से। भाग्य ठीक है तो सुख आ गया, भाग्य खराब है तो दुख आ गया। एक कर्मयोगी होते हैं, वो कर्मयोगी कहते हैं कि आपके कर्म जैसे होंगे वैसे आपको परिणाम मिलेगा, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, और आपके कर्म बुरे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, बुरा कर्म। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई दूसरा आपको सुख दुख नहीं देता, आपके कर्म ही आपको सुख देते हैं, आपको दुख देते हैं, कोई दूसरा आपको सुख दुख देने वाला नहीं। कर्मयोगियों का एक सिद्धांत है, कर्मेव गुरु ईश्वरः। वो कहते हैं कि हमारा गुरु और ईश्वर कौन है, हमारा कर्म ही हमारा गुरु है, हमारा कर्म ही हमारा ईश्वर है। हम आलस्य और प्रमाद का त्याग करते हुए कर्म करते हैं, और हमारा कोई ईश्वर और गुरु नहीं, हमारा कर्म ही हमारा ईश्वर और गुरु है। तुम्हारा कर्म ही हमें सुख और दुख देता है।